उठ गई तुम? जरा सुनो, इसे तौलिए से ढक दो और गर्म जगह पे रख दो। फर्श को साफ कर देना ताकि कमरा साफ रहे। मैं आलसियों को जगाने जा रही हूँ। आपका स्वागत है। कुछ खाना पसंद करेंगे? मैं जल्दी रोटी बनाती हूँ। कल के समोसे भी हैं। क्या आप उन्हें खाना चाहेंगे? खुशी से, बहुत ही बेहतर है। पिछली रात आप सोए नहीं? मैं देख रही थी, आपके मुलाजिम सुबह ही घर वापस आ गए थे। मैंने राजकुमारी उस्तैनिया को भी देखा। मैं तभी उठी थी। मैं तो बहुत डर गई थी कि वो कहीं गुस्से में आकर हमारे खान मेंगू को ही ना मार डाले। हाँ बिल्कुल, उस्तैनिया ऐसे ही शोर मचाती थी। वो नीच औरत है, सहदे ही सेव की तरह। तुम्हारी जगह शर्त लगाता हूँ, वे इसके लिए लोगों को कोसते हैं। हम लड़कियां ऐसी चीजों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। तुम तातर लड़कियां डरपोक होती हो। तुम्हें सिखाया जाता है अपने शौहर की इज्जत करो। हम लोग कर ही क्या सकते हैं, मर्द बहुत मजबूत होते हैं। मैं अपनी बेगम को कभी भी नहीं मारूंगा, खास करता वो इतनी हसीन और जवान हो। क्या तुम मेरी बेगम बनोगी? दरवी, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें देखते ही मदहोश हो गया हूँ। छोड़िए छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं? शहंशाह से मेरी शादी होने वाली है। तुम उसकी सिर्फ नौकरानी हो और कुछ नहीं, और मैं तुम्हें अपनी बेगम बनाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ। मार पखाला, बचाइए, मार पखाला, बचाइए मुझे। ये शोर कैसा? जबरदस्ती कर रहे थे। उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। इरेमी एक अच्छा इंसान है और वो अपनी मरहूम बीवी से बहुत प्यार करते थे। वो एक अच्छे पिता भी कहलाएंगे। कचरे को बाहर जाकर फेंको। हमारी रियासत के क्या हाल चाल है? वास्का का कुछ अनुमान है। खान के प्रतिनिधियों के लिए बहुत सारे लोग एकजुट हुए थे, हालांकि कौन हिम्मत करेगा? मतलब अफवाहें फैल रही हैं। कैसी अफवाह? उनका कहना है कि आप डरपोक है, अगर अपने लोगों के लिए आप बाहर नहीं निकले तो। मैं बाहर निकलूंगा, लेकिन शाही फरमान के साथ। और हाँ, हमने वादा किया था कि पेरिस लावल का जिम्मा किसे दिया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी हमारे छोटे बेटे दानील संभालेंगे। दानील, ये आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया? ये हमारा आदेश है।
ब्लास, हमें पेरिस लावल के हालचाल सुनाइए। उनका कहना है कि व्लादिमीर अपने लालची लोगों के साथ अगर यहाँ आता है तो वो बगावत करेंगे, और वो बड़े राजकुमार के अलावा अपने ऊपर किसी और को नहीं चाहते हैं। अगर मैं नहीं तो बोरिस चाचू के बारे में क्या? पेरिस लावल में आपने वादा किया था कि आप चाचू की मदद करेंगे, उन्होंने अपनी बेगम को भी खो दिया है। बस करो, हम हर एक चीज के लिए आपस में सहमत हुए थे, लेकिन युवा राजकुमार का गुरु कौन बनेगा? उनकी अम्मी जान, वो भी उनके साथ जाएंगी ताकि सही नियत से आदेश दिए जा सके। मुझे लगता है कि हम उन काफिरों से लड़ सकते हैं, लेकिन वो अपना ठिकाना छिपा रहे हैं। मुझे यारोसलाब के बारे में कुछ नहीं कहना है, उसे हमारी नहीं अपने लोगों की चिंता है। लेकिन अब होड का बोलबाला है और होड का ही राज है। आप कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए उपयुक्त हैं? हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो। शायद हमारे शहंशाह कमजोर स्थिति में हैं। अपने भाइयों पर यकीन करने के बजाय अपने बड़े बेटे पर ज्यादा यकीन दिखा रहे हैं। हम लोगों पर ऐसे थूकते हैं जैसे हम लोग कोई गैर इंसान हो। तो फिर चाचू, आप सभा में चुप क्यों थे और मुझे भी नहीं बोलने दिया? मैं हुज्जत की वजह बन जाता और लोग ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे। इतनी बड़ी रियासत एक बच्चे को सौंपी जाने वाली है, मुझे और आपको नजरअंदाज करके उस गुस्ताख को वहां भेजा जा रहा है। और मुझे माफ करिएगा, मैंने आपकी बेगम की याद आपको दिलाई, लेकिन सच में आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा ना, बस करो। तेरी सलाव इतनी बड़ी बात नहीं, आपकी अपनी अपनी रियासतें हैं। मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूं। मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती है। मेरे एक हाथ में गाजर होती है और दूसरे हाथ में डंडा, किसी एक पे मेरी लगाम ढीली पड़ जाती है। मुझे माफ करना खुदा। और मुझे लगता है कि आपकी प्रजा वफादार है। मुझे लगता है कि वो लोग आपको किसी वजह से बुलाते हैं। और हमें किस नाम से बुलाते हैं? नो गोरोडियन भेड़िए। भेड़िए, मुझे सुन के अच्छा लगा। मतलब हम दहशत पैदा करते हैं। मुझे भेड़ियों को दाना डालने की जरूरत है, जबकि वो जानते हैं कि मुझे पेरिस लावल की कितनी जरूरत है। उन्होंने जमीन को अपने पसंदीदा बेटे के लिए नहीं रखा है, उन्होंने उस जमीन को खुद अपने लिए रखा है। बच्चों पे हुकूमत करना आसान है और इसी वजह से मुझे गुस्सा आता है। इस मामले को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। खैर, कोई ठहरने के लिए चलेगा क्या? नहीं, मैं पीना पसंद करूंगा। आपको चलना है क्या? मैं भी साथ ही चलता हूं। फौज को सड़कों से दूर ले जाओ, लोगों के बीच उनकी जरूरत नहीं। बस शहर के दाखिले के पास जासूस छोड़ दो। लेकिन बाजार के पास भी? नहीं, वहां रहने दो, नहीं तो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। तुम लोग समझ गए? अच्छा, वैसे कल यहाँ पर कई लोग इकट्ठा होने वाले हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी मेरे हुजूर। इतने गुमसुम क्यों हो तुम? कहने में शर्म आती है। ज्यादा पी ली थी क्या? मुझे माफ करें हुजूर, मैं नशे में था। तो फिर? तो एक तातर लड़की ने मेरे सर पर हमला कर दिया। मैं उसके साथ जबरदस्ती, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी इसलिए। ओ अच्छा, बढ़ती उम्र के साथ ये दिक्कत तो आती ही है। किसकी बात कर रहे थे तुम? वो जो दूर से आई है, जिसने आपकी खूबसूरती को बढ़ाया है। हाँ, मुझे ठीक से याद नहीं। खैर जो भी हो, हमें उम्मीद है तुम्हारा उसके साथ अच्छा वक्त बीते। आपने सहमति दे दी है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कोई एतराज नहीं।
ऐजान चांद का टुकड़ा, कितना खूबसूरत नाम है। कितनी छोटी है वो, उसके साथ क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रुकी। दूल्हे अली बेग ने एक नीच लड़की को देखा है जिसे खान की हवेली से ले जाया गया है। लगता है वक्त हो गया है मेरी बहन से मिलने का। आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, आपको खाना चाहिए। ये लीजिए, बर्क को खुले बाल पसंद नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम लेने की? माफ करना केखर खातून, दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। दफा हो जाओ यहां से अभी, जल्दी। बखर को कह देना अंदर किसी को आने ना दे। तुम्हें यहां कुछ तो खाना ही पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए ताकत की जरूरत होगी। यकीनन तुम बहुत खूबसूरत हो ऐजान, एक मासूम सी हुस्न परी। तुम्हारे अब्बू और भाई ने तुम्हें बहुत नाजों से पाला होगा। आपको ये कैसे पता? खान की पसंदीदा बेगम जो हूं, और मेरे जासूस भी हैं। आप खान की बेगम हैं? जब मुझे यहां लाया गया था तो एक कनीज ने मुझे जहर से भरी हुई एक शीशी दी थी। अगर मेरे साथ ऐसा होने वाला है इसकी भनक लगती तो मैं उस शीशी को पी जाती। लेकिन मेरे अब्बू चाहते थे मैं जिंदा रहूं। अपने आखिरी वक्त पर उन्होंने कहा था झुकना और जिंदा रहना। तुम्हारे अब्बू को पता नहीं होगा कि खान की रखेल बनने का मतलब क्या है। बर्क दर्द से कहराते हुए लोगों को जानवरों में तब्दील कर देता है। खा लो और थोड़ी नींद लेने की कोशिश करो। आज रात असली नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। महान खान आ रहे हैं। निकलो यहां से, निकलो, जल्दी करो, जल्दी करो। आप कहां जा रही हैं? यहीं रुकिए। खान साहब को सलाम करो। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। कबूतरी गिद्ध को चोंच मारना चाहती है।
मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आओ। तुम कितनी खूबसूरत हो ऐजान। इसे दोबारा होश में लाओ। भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जल्दी पता चल जाएगा। क्या दिखता है ये? मेरे पिताजी ने तुम्हें ये ऐसे ही दे दिया? मतलब वो तुमसे प्यार करते हैं? अगर तुम राजकुमार बने हो तो वो तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। पेरिया सेल्वी के बदले कोई घोड़ा दिया जाता तो मेरे लिए बेहतर होता। अगर तुम्हारा मन है तो घोड़ा तुम्हारा हुआ। मजाक कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक घोड़ा है जिसे बहुत अच्छी तालीम दी गई है, और फिर तुम्हें भी तो घोड़े की जरूरत है। ओ, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जंगली है। इसके अंदर प्लेवियन खून है जिससे यह सूंघने में काफी माहिर है। जब तुम इस पे राजकुमार की तरह सवार होगे तो यह तुम्हारा हुक्म मानेगा। ए, क्या कर रही हो तुम वहां पे? हमारी बातें सुन रही थी चुपके? रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ, कहां जा रही हो तुम? रुक जाओ। मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम्हें मुझसे इश्क हो गया है? तुम मेरा पीछा क्यों करती हो? तुम लाजवाब हो। मैं पीछा नहीं कर रही थी। मैंने कहा इसे खोल दो। राजकुमार की बात काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने बताया था ना, ये घोड़ा बिल्कुल आवारा है। ये तुम्हें और मुझे रौंद कर मार देगा। ऐसा नहीं करेगा। ये महसूस करेगा कि मैं इसका मालिक हूँ। अब जल्दी करो और इसे खोलो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। राजकुमार और उनके मुलाजिम सुजदल के लिए निकल रहे हैं। मुझे उनके घोड़े तैयार करने हैं। तुम जाओ यहाँ से, अपनी आया के पास जाओ, वो तुम्हें ढूंढ रही होंगी। हाँ जाऊंगा और बताऊंगा कि तुम कितने बेपरवाह हो। कितना सुंदर है ये, वाह। कुमार,
मेरे पास आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। आपको दर्द से राहत मिले इसलिए दवा बनाई है, जो हुआ उसे भूल जाइए। रोना बंद कीजिए, अगर आप ऐसे रोती रहेंगी तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, उन्हें अच्छे से पता है मैं कौन हूं। आप महान महारानी हैं और कौन? नहीं स्टेशा, लोग कहते हैं कि मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन अब बहुत हो गया। किसी पत्नी को प्यार ना मिले इससे बुरा कुछ नहीं, काश मैं मर ही जाती। ये सब बातें करके आप अपना दिल मत दुखाइए। आप खूबसूरत हैं, अकलमंद हैं, आपका हाथ सबसे बेहतरीन इंसान के हाथ में है, आपको उनके लिए लड़ना चाहिए। पर ये तो बताओ, ये होगा कैसे? वो तो मुझे दूर भेजने वाले हैं। आप उनके ख्यालात बदल भी तो सकती है ना। मुझे बस एक बर्तन में दूध भरना है, फिर उसमें शराब मिला दूंगी, उसके बाद आप उनके पास जाइएगा। मैं खुद? हाँ महारानी, आप खुद। कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है महारानी। सलाम रानी साहिबा। बाहर एक हादसा हो गया था, हमारे राजकुमार पर घोड़े ने हमला कर दिया था, वही घोड़ा जो मेघू ने दिया था। क्या तुम ठीक तो हो ना? घोड़े के साथ क्यों खेल रहे थे? किसने इजाजत दी तुम्हें? उसे मेरे भाई ने दिया है, अब वो मेरा घोड़ा है। व्लादिमीर, अम्मी आपको आने से पहले दस्तक देनी चाहिए थी, अब आपका बेटा जवान हो चुका है। शैतान कहीं के, क्या तुम उसे मारना चाहते थे? आराम से आराम से, किसको मारना चाहता हूँ? नाटक मत करो, तुम चाहते थे कि वो बिगड़ैल घोड़ा मेरे बेटे को मार डाले। आपका दिमाग खराब हो गया है? नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, तुम उसके पैदा होने के वक्त से नफरत करते हो, तुम उसे बिल्कुल नहीं चाहते। आपने गलत चीजें देखी हैं। उसके लिए मेरी जान कुर्बान है। उस घोड़े पे उसका दिल आ गया था, इसलिए मैंने उसे दे दिया। मैंने सोचा नहीं था कि वो उसे खुद से संभालेगा। वो सिर्फ एक बच्चा, राजकुमार है। उसकी उम्र में मैं फौज में शामिल हो गया था। मैं शहंशाह को बताऊंगी तुम्हारे उपहार के बारे में। जाके बता दीजिए, आपको लगता है वो आपकी बात मानेगा? आप गलत फहमी में जी रही हैं। आपकी बातें सुन के अब्बू आपको मुझसे दूर कर देंगे। कमीने कहीं के, उसके बाद तेरा क्या होगा? आप अपने बारे में सोचिए, मैं अपने अब्बू को जानता हूं। कल मैंने आपकी सेहत के लिए लोगों के साथ एक जलसा लगाया था। आपको लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए, पहले उन सबको खामोश हो जाने दीजिए। उनका सामना कैसे करें इस बारे में सलाह दीजिए। हम झूठ बोल बोल के बहुत उकता गए हैं। तो सच्चाई बता दीजिए। सच्चाई बता दीजिए कि तातर शैतान ने आपसे 40,000 लोगों की फरमाइश की है और आप कम करके 10,000 पे पहुंचे हैं। इस तरह हमने 30,000 लोगों को बचा लिया। इसके लिए आपको किसी बेकार लड़की को देना पड़ेगा जो पहले ही अपना दम तोड़ चुकी होगी। बहुत खूब, हम यही कहेंगे।
बस हम चाहते हैं आप हमारे साथ आएं, लोगों को शांत रखने के लिए। तो आप अपने खास लोगों के बिना यहां से निकलना चाहते हैं? आपसे पहले हुजूर लारियन हुआ करते थे, सेना के आगे वो मौका ढूंढते थे कि कब अपनी तलवार को और पैना कर सके, और उन्हें लगता था कि ऊपर वाले ने उन्हें ताकतवर बनाया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं उतना पापी नहीं हूं। खैर, मैं आपके साथ चलूंगा। हमारे बादशाह शाही राजकुमार अलेक्जेंडर होर्दे में फना हुए थे, और हमने उनका बदला लेने की कसम खाई है। लेकिन जब यारलाग पे कब्जा जमाने की बारी आई तो हम जानते थे हमारी नफरत केवल हमारी आवाम की जान की कीमत है। इसलिए फिलहाल होर्दे पे हमारा कब्जा नहीं है, और तार-तार इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। पर हम ये जानते हैं कि आप में से हर एक अपने घर की खातिर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है, अपनी बीवियों और बच्चों की खातिर। हमारे दिल का भी यही हाल है, क्योंकि आप सब हमारे बच्चों की ही तरह हैं। हमारे ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पुश्तैनी खून बहे यह हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। खान मेंगू तिमिर की वजह से हमें ना चाहते हुए भी एक घटिया फैसले पर राजी होना पड़ा। अब फैसला हमें करना है, हमारे भाई की बीवी या फिर 30,000 लोग, इनमें से किसको बचाना चाहिए। हम हमारी औरतों को चुनेंगे। ये मत सोचना कि केवल एक औरत की बात है, बात हमारी रियासत की है, हमारे लोगों की। मेरे नेक भाइयों, मैं माफी चाहूंगा। अगर मैं इसके काबिल हूं तो अगर आप में से किसी को भी लगता है कि हम एक काबिल बादशाह नहीं हैं, तो आप अपने रास्ते जा सकते हैं, किसी और की गुलामी कर सकते हैं। यानी मैं जो चुन रहा हूं, ये लोग उससे बिल्कुल उलट फैसला लेने वाले हैं। राजकुमार, आप हमारे शहंशाह हैं, आप जो कहेंगे वही होगा। हम अपने शहंशाह को चुनते हैं। शहंशाह जिंदाबाद, 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 शहंशाह जिंदाबाद। हम सुजदाल के राजकुमार से खुद सुनना चाहते हैं। बेहतर होगा। तुम्हारे अलावा और कौन? सुजदल तुम्हारे साथ है। तिमिर, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई। नवगोरद, मैं आपके साथ हूं मेरे खुदा। महान शहंशाह यारोस्लाव जिंदाबाद, 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 आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ख्याल में डूबा हुआ था। यारोस्लाव, मैं यहां पर बहुत कोशिशें कर चुका हूं, इस बार निकलना ही होगा।
आपके लिए ये सब आसान नहीं होगा। वो हर तरह के सवाल पूछेंगे आपसे। जल्दबाजी मत करो बोरिस, तुम्हारे लिए सैनिकों का एक खास दल तैयार करना चाहता हूं मैं। अच्छा दनील, ये बताइए हमारी महफिल के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने खानदान के बड़ों के साथ बैठे हो तो फिर पेट भर के क्यों नहीं खा रहे? मुझे भूख नहीं है पिताजी, आप मुझे बताइए ना कि तातर घोड़े को कब वश में किया जाएगा। हमें कैसे मालूम होगा? व्लादिमीर का घोड़ा है, उससे जाके पूछिए। मैंने उसे दानिल को तोहफे में दे दिया। ओ अच्छा, तुम्हारे लिए वो अजीज था ना। चलो अच्छा है, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। कभी अकेले उसके करीब मत जाना, हमेशा स्टेफन से कहना कि वो उसे काबू में करके रखे। नहीं, वो मुझे रौंदकर मार ही डालता, मैं कभी उस घोड़े के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इन्हें घोड़े के पास जाने की इजाजत किसने दी? आपके प्यारे स्टेफन ने, उसने हरी झंडी दिखाकर घोड़े को भड़का दिया। वो अब बड़ा हो गया है, अपना ख्याल रखना सीख जाएगा, और वैसे भी जो बहादुर होते हैं वो ज्यादा लंबा नहीं जीते। स्टेफन का शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि वो नहीं होते तो आज आप सांस लेने के लिए जिंदा नहीं होते। उन्होंने नहीं बचाया, वो तातर लड़की ने बचाया। क्या कहा, कौन सी लड़की? वही जो खान ने आपको दी थी, अब वो रसोई घर में गाजर काट रही है। वो तुम्हारी जान कैसे बचा सकती है? मैं भी नहीं समझ पाया, उसने सीटी बजाई और घोड़ा शांत हो गया। वो तो एक बहुत अच्छी टेमर है। मेरोन, उस लड़की को यहाँ लाया जाए। जरा रुकिए महान शहंशाह, दरकी को खाने पर पहले कभी आमंत्रित नहीं किया गया है, ऐसा कभी नहीं सुना गया। लोग क्या कहेंगे? परेशान ना हो, उसे इनाम दिया जाएगा। आपके जिगर के टुकड़े की जान बचाई है उसने, चलिए लेकर आइए उसे। तुमने मुर्गा ज्यादा पका दिया है। कात्या, ककड़ी को जरा ठीक से काटो। नरगिस, सब्जी तैयार हुई कि नहीं? माशा, तुम फिर से खा रही हो। तातर लड़की को शहंशाह ने बुलाया है। क्या किया है इसने? चुपचाप मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। चलो बेवकूफ, शहंशाह तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। क्या कहा, इनाम? आइए आइए, अंदर आइए, घबराइए मत। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमारे छोटे राजकुमार ने बताया कि आप एक सीटी बजाकर घोड़े को रोक लेती हैं। हाँ, कर सकती हूँ। कहाँ से सीखी है कला? जब घोड़ों की देखभाल करती थी। घोड़ा जब मैदान की तरफ भागता है तो तबाही मचा देता है। आप अकेले उनका ख्याल रखती थी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं उनसे बात कर सकती हूँ। भेड़ों को मारते काटते देखने से मुझे नफरत है, और मेरी बहनें घर संभालती थी। चलिए, हमने मान लिया कि आप एक आजाद पंछी हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं 3-3 दिनों तक बाहर रहती थी, अब यहाँ 4 दीवारी से बाहर भी नहीं निकल सकती मैं। चलिए मांगिए, क्या मांगती हैं आप इनकी जान बचाने के लिए? अगर आप चाहें तो रसोई से छुट्टी मांग सकती हैं। नहीं, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा लगता है वहाँ। मारफा खातून मुझे सब कुछ सिखाती है, और वहाँ चूल्हा भी है जिससे मुझे वहाँ ठंड का एहसास भी नहीं होता। फिर तो इसी बात पे आपको हर रोज ढेर सारा खाना दिया जाएगा। बैठो बैठो। हाँ बैठो, घबराने की कोई बात नहीं है। मीरोन, इनको बिठाओ।
यहाँ जो भी है जी भर के खाओ, शर्माओ नहीं। ये भी? हाँ ले लो। ये वाला भी लो ना। और वो वाला भी ले लूं? हाँ ये भी, बरस उठा के दो। कैसा लगा, स्वादिष्ट है कि नहीं? कितनी जंगली लड़की है। चलो तुम्हें आजादी दी जाती है और तुम अब से पेट भर के भी खाओगी, पर इतना काफी नहीं है, और भी कुछ मांगो। कुछ भी मांगू? हाँ बेशक। वो मुझे एक माशा खातून की तरह मफलर चाहिए। मेरे पास बाकी सब कुछ है और कुछ नहीं चाहिए। फिर तो तुम इस दुनिया की सबसे खुशनुमा लड़कियों में से एक हो। नहीं तो मफलर पहन के खुशनुमा बन जाऊंगी। शहंशाह, डैनियल को प्रस्थान करने के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तुम जा सकती हो। आराम से रसोई में काम करो और उसके बाद कल तुम अपना लिबास चुनना। महारानी आप इनका साथ देंगी? महारानी क्या बात हो गई बताइए। आप मुझे पेरिया स्लाव से दूर मत भेजिए। आपने कहा था ना हमारा बेटा काफी है, हम आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकते। आप हमारे बेटे का साथ नहीं देना चाहती? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। समझ गए, आप यहीं रहेंगे और दानिल के साथ फ्योदोर जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह। अब आपको मुझसे प्यार नहीं रहा, मैं सिर्फ आपके साथ रहती हूँ। आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए। आपको क्या लगा हम आपसे प्यार नहीं करते? अब आप हमारी ख्वाबगाह में नहीं आते। आपके मजबूत हाथों को महसूस किए वक्त हो गया और आपका इत्र जो मुझ में जवानी भर देता है। अभी केवल वक्त खराब है, इसलिए अपनी चाहते अपने तक ही रखता हूं। सिर्फ हमारे पास आइए और हम आपकी सारी उदासी दूर कर देंगे। हम आपको ताकत देंगे मेरे महान शहंशाह, इतने मजबूत और इतने बहादुर। कितना बहादुर? दुनिया में सबसे ज्यादा। Thank you.
ये शमशीर हम सब की हमेशा हिफाजत करे। वालिद बेटे और पाक रूह के नाम, आमीन। क्या बात है। ये आंधी की तरह चल रही है। शुक्रिया। जानते हो ये तलवार मुझे मेरे अब्बा ने दी थी जब मैं नौवगुरुद पर राज करने के लिए जाने को था। अब ये तुम्हारी हुई। नींद में भी कभी इसे अपने से दूर मत करना। समझ गया। और एक बात हमेशा याद रखो, ये तलवार आवाम को राह दिखाने और कमजोरों की रक्षा के लिए है। ऐसा किसी और इस्तेमाल में लाना हमसे दगा होगा। समझ गया पिताजी। तुम्हारे साथ फ्योदोर तो जा रहे हैं, लेकिन अपने सैनिकों को अच्छे से जानना जरूरी है। इनमें से सबसे बहादुर और चुस्त दुरुस्त योद्धा चुनो जो तुम्हारे मुंह पर सच्चाई कहने से ना कतराएं। उनका मान रखना और दरिया दिल बनना ताकि कुछ सालों बाद जब लड़ने की बारी आए तब वो लोग तुम्हारा साथ दें। कैसी लड़ाई? धीरे धीरे समझ जाओगे। उसकी तरह दिख रही है। ये एक दिलचस्प चेहरा है, देखने में बिल्कुल सीधा साधा, लेकिन इसमें कुछ राज छुपा है। का ये दूध पी जाओ, इसे कुमियास कहते हैं। वो आदमी मुझे अजीब तरह से घूर रहा था। किसी तरह का शक था उसके मन में। मैंने कहा था पोशाक कस के बांधना ताकि मैं लड़कों जैसी दिखूं। क्या कह रही हो तुम? इससे मुझे तकलीफ होगी। जब वो मुझे मौत के आगोश में भेज देगा तब तुम तकलीफ महसूस करना। करती हूँ हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे और इवान जिंदा होगा। आज के लिए बहुत है, काम बंद कर दो। बस बहुत हुआ, चलो जल्दी जल्दी करो। तुमने खबर सुनी?
व्लादिमीर 40,000 सेना इकट्ठी कर रहा है। यहां से भागने का रास्ता ढूंढना होगा। 40,000? कहां थी सपने देखने वाली? मछली साफ कर रही थी। मैं सूप बना देती हूँ। वो मैं खुद बना लूंगी। जाओ और मेज का कपड़ा साफ कर दो। पर मैं खाना बनाने में आपकी मदद करूंगी। मेरी नजर से दूर हो जाओ। चलती फिरती मुसीबत है ये। मुझे पकड़ लो जोर से। ये आ जाओ। बस 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 पहुंच गए। सब कुछ ठीक है। देखो सब ठीक है। फर्श का कपड़ा, मारफा खातून मुझे मारेगी। कपड़े कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। जब तैरना आता नहीं है तो फिर कूद ही क्यों? हाँ, मुझे लगा था मैं तैर सकती हूँ। चलो भीगी बिल्ली, छोड़ो मुझे। ओह, ये लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? थोड़ी अजीब नहीं तुम?